वेलकम बैक दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, हम कर रहे थे 200 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस, और गाइस हम लास्ट के दो पार्ट में कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आई टैब पे क्लिक कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, और आप सारे क्वेश्चंस, सारी जो वीडियोज है वो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड लेट अस लर्न सम न्यू ट्रिक्स, अमेजिंग ट्रिक्स टू सॉल्व problems in mathematics. So guys, let's start. Our first question of today is, let a function this be this. So guys, इसमें सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन की जब मैं समझाऊं तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, आप अपनी गलतियां पकड़ पाए। तो चलिए मैं बताता हूं। अब चलिए, इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। एफ ऑफ वन की वैल्यू 2 गिवन है, बाकी एक इक्वेशन गिवन है जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और मुझे एफ डैश 2 पूछा है। क्या पूछा है? एफ डैश 2 पूछा है। अब ये जो गिवन है ये क्या है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी वो बोल रहे हैं कि हर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ये चीज क्या है, वैलिड है। चलिए, अगर हर एक्स कोमा वाई के लिए ये वैलिड है, तो ऐसे क्वेश्चन जहां भी ऐसा कुछ है, जैसे ऐसी इक्वेशंस दे दे और फिर x कोमा फोर एवरी x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर बोले, और ऐसे ही कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस दे, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको कैसे डील करने हैं। जब भी ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, जनरली कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, कुछ छोटे मोटे, जिससे हम क्या करते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ एफ वन गिवन है, एफ डैश टू पूछा है, तो वन टू इन सब का रिलेशन निकालते हैं। वो किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, या तो हम y इक्वल टू x पुट करेंगे, या x इक्वल टू माइनस वाई पुट करेंगे, दोनों को x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, या किसी एक को जीरो पुट करेंगे, या किसी एक को वन पुट करेंगे, या ऐसे कुछ, जैसे अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए तो y की जगह 2x पुट करेंगे, या जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम ऐसे ऑपरेशंस लगाएंगे, क्योंकि वो हर x कोमा वाई बिलोंग्स टू r के लिए वैलिड है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हम इसमें लगाएंगे और जो हमें गिवन है उस पॉइंट तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसमें भी हम वही करते हैं, लगाते हैं ऑपरेशंस। अब मुझे क्या है, एक चीज स्ट्राइक कर रही है कि भाई वन की इन्फॉर्मेशन गिवन है, एफ वन की, और मुझे उसका डबल के बारे में पूछा है। मतलब मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मैं वन पुट करूं, क्योंकि मेरे को वन पता है। अगर मेरे को वन पता है और मेरे को टू चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं वन ऐसा कुछ करूंगा कि मैं वन इनपुट दूं, तो मेरे पास जो टू वाला है वो जनरेट हो जाए, कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने की कोशिश करूंगा। तो किस टाइप के ऑपरेशन हो गए, जो मुझे सबसे पहला दिखा वो हो गया वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि जैसे ये करूंगा ये डबल हो जाएगा और ये सिंगल सिंगल रहेंगे, यानी जब मैं यहाँ वन पुट करूंगा तो ये क्या कर देगा, इसको यहाँ आउटपुट में डबल कर रहा है। तो चलिए वही ऑपरेशंस लगाते हैं। पहला ऑपरेशन हो गया हमारा, पहला हो गया एफ ऑफ टू एक्स इक्वल टू 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 फोर टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर एक्स एफ एक्स। अब हमारे साथ एफ एक्स की तो बात की नहीं उसने, हमारे साथ जो बात की है वो बात ही इसने एफ डैश की, यानी डिफरेंशिएशन की। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दे, इसको डिफरेंशिएट करते ही आ जाएगा 2 टाइम्स एफ डैश 2x इक्वल टू 2 टाइम्स ln 2 4 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x ln 2, और यहां आ जाएगा fx प्लस ये कर, इसका किया, इसको रखा, अब इसको रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, 1 डिलीवर करना है इसको, ताकि हमारे पास f डैश 2 जनरेट हो। ये आया 2 टाइम्स f डैश 2 इज इक्वल टू, यहां से आएगा 8 और 2 ln 2 tan ln 2, और अब जैसे ही 1 दूंगा f ऑफ 1 आएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहां आ जाएगा 2 प्लस यहां आ जाएगा 6 f डैश 1 यहां से आया, क्योंकि f डैश 1 हमें पता नहीं है। f डैश 2 इज इक्वल टू tan ln 2 tan ln 2 प्लस 3 टाइम्स f डैश 1, ओके सॉरी 6 टाइम, हां 3 टाइम्स f डैश 1, ये आ गया। अब हमारे पास फंस गया क्या, एफ डैश 1। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास एफ डैश 1 आ जाए, या तो हम 0 डिलीवर करें, क्योंकि 0 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोनों तरफ 0 0 पुट करके, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स एफ ऑफ 0, कितना आएगा 0 1 1 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 ही है। तो हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने खुद से निकाली 0 0 पुट करके, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ 0 अब कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ ऑफ 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, अभी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज करना है। तो चलिए, एक तो ये आ गया। अब मेरे दिमाग में क्या आया, अगर मुझे 0 से इसको ऑपरेट ही करना है, या मैं चाहूं कि मैं फिर से 1 से 2 बनाऊं, अगर फिर से 1 से 2 बनाऊंगा
तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि ये ऐसे ही रहे लेकिन इसमें वो चेंज करने पे डबल हो जाए, तो मतलब ये ऐसे इनमें वन ही जाए लेकिन इसके पास वन पुट करने पे टू जाए। तो ऐसा कब होगा, जब इनमें से किसी एक को मैं क्या करूंगा वन पुट कर दूंगा। तो मैं मान लो वाई को वन पुट कर देता हूं, मैं वाई को क्या कर दूंगा वन पुट कर दूंगा। मुझे क्या करना है वाई को वन पुट करना है, तो इस ऑपरेशन में अब मेरा ऑपरेशन क्या है वाई इक्वल टू वन पुट करना है, टू टू दी पावर एक्स एफ ऑफ वाई प्लस फोर टू दी पावर वाई एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन था। वाई इक्वल टू हमें क्या करना है वन पुट करना है, सेकेंड ऑपरेशन हमारा ये आ गया। तो यहां से आया एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 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 दी पावर एक्स, एफ ऑफ वन की वैल्यू गिवन है टू, यहां से आ जाएगा फोर टाइम्स एफ ऑफ एक्स ये आएगा। मुझे तो इसकी बात ही नहीं की, मुझे बात ही इसकी किसकी की है डिफरेंशिएशन की, तो मैंने क्या किया इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 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 दी पावर टू इंटू टू टू दी पावर एक्स एल एन टू प्लस फोर टाइम्स एफ डैश वन। देखिए अब सॉरी एफ डैश एक्स, अब मैं क्या करूंगा एक्स की वैल्यू क्या करूंगा वन पुट करूंगा ताकि ये एफ डैश टू हो जाए जो हमें पहले से पता है, और यहां फिर से एफ डैश वन आएगा जो पहली वाली टर्म भी एफ डैश वन के करस्पॉन्डिंग थी, ये भी एफ डैश वन के करस्पॉन्डिंग है, दोनों को इक्वेट करेंगे एफ डैश वन की वैल्यू निकालेंगे और यहां पुट कर देंगे। समझ आया ये क्या बोला, मैं फिर से बताता हूं, हमने एफ डैश टू निकाला पहले एफ डैश वन की टर्म्स में आया, अब मैं दोबारा एफ डैश टू ही निकाल रहा हूं एफ डैश वन की टर्म्स में आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे एफ डैश वन की वैल्यू निकालेंगे और यहां पुट कर देंगे, एफ डैश टू की वैल्यू आ जाएगी जो हमें पूछी है। तो चलिए एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं, एफ डैश टू एक्स इक्वल टू वन मैंने पुट किया है तो ये आ जाएगा एफ डैश टू इज इक्वल टू एफ डैश टू पुट करेंगे तो फोर टाइम्स एल एन टू प्लस फोर टाइम्स एफ डैश वन। तो एक इक्वेशन तो मेरी जो पीछे बनी थी ये हो गई नंबर वन इक्वेशन, और नंबर टू इक्वेशन हो गई मेरे पास ये। अब मैं क्या करूंगा नंबर वन इक्वल टू नंबर टू कर दूंगा। अब नंबर वन इक्वेशन क्या है, टेन एल एन टू प्लस थ्री एफ डैश वन, क्या है टेन टाइम्स एल एन टू प्लस थ्री टाइम्स एफ डैश वन इज इक्वल टू फोर एल एन टू प्लस फोर टाइम्स एफ डैश वन। चलिए इसको सोल्व करते हैं, यहां से हमारे पास एफ डैश वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स टाइम्स एल एन टू आ जाएगी। अब किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ डैश टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स थ्री जाए एटीन, एटीन प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी एट एल एन टू, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि के एल एन टू के इक्वल है, यहां से हमें पता चल जाएगा के की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी एट। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन कुछ कुछ ट्रिक्स, ये जो ट्रिक्स है ये जो क्वेश्चन को करने का तरीका है ये इंपॉर्टेंट। हमारे पास आंसर है कितना 28। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन है ये एक सीरीज कोट इनवर्स दिस 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 दिस, और गिवन है कि एक्स कैसा है पॉजिटिव, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ लिमिट एन टेंड्स टू दिस देन एक्स इज इक्वल टू, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर ये एक्स पॉजिटिव नहीं होता तो इस कोट इनवर्स को क्या करता, मैं इनवर्स मतलब उल्टा नहीं कर पाता, टेन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता, उसके लिए मेरे को पाई प्लस वो करना पड़ता। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि मैं इसको डायरेक्ट उल्टा कर सकता हूँ। अब मेरे को उल्टा क्यों करना है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे को उल्टा करना है, मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर में करवाया था सेकंड पार्ट जो था उसमें हमने क्या किया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी और फर्स्ट पार्ट में भी उस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन था, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैं इसका यूज करना चाहता हूँ क्योंकि यहां मुझे सीरीज के सम की बात की है और वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो मैं ज्यादातर यही सोचूंगा 90% क्वेश्चन में मुझे ऐसा ही कुछ बनाना है। तो चलिए अगर ऐसा कुछ बनाना है तो मुझे उसके लिए टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इसको, तो इसको उल्टा करूंगा मैं। चलिए मैं एसएन को दोबारा लिखता हूं उल्टा करके, उल्टा करूंगा तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एलसीएम लेके मैंने उल्टा कर दिया एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 6x square plus 2 plus tan inverse x divided by 10x square plus 2 और ये चलता जाएगा n terms तक। अब मुझे इसकी nth term लिखनी पड़ेगी ताकि मैं इसको simplified way में लिख सकूं, वो अभी हम लिखेंगे। Okay guys, ये हमने इसको लिख दिया, x positive था इसलिए हम ऐसा कर पाए, वरना पाई 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 जो बार बार add होता वो हमारा add हो जाता इसमें। चलिए मैंने इसको अब ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो ये जनरल टर्म निकालो, मैं इसको क्या करूंगा सिग्मा की फॉर्म में लिख देता हूं, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा, अब आर इज फ्रॉम समवेयर, आर इज फ्रॉम वन टू एन कर देता हूं,
अब मेरे को इसको ये बात देखो, ये फिक्स है, ये टर्म भी फिक्स है, मतलब ये फिक्स है, ये भी 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 फिक्स है और ये भी फिक्स है। जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हर जगह। तो ये क्या है, एक सीरीज बना रहा होगा, उस सीरीज का मुझे क्या निकालना है, जनरल टर्म निकालना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे निकालते हैं। ये क्या करना है, मेरे पास जो सीरीज बन रही है वो क्या है, 3, 6, 10 और ऐसे चलती जा रही है। अब इस सीरीज में आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, मतलब जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने देखा होगा कि ऐसा कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 5, फिर से 1, ये आ जाएगा, फिर से 1 आएगा। तो ये क्या होगा, सेकंड टर्म में सेम हो रहा है, तो इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, जनरल टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। इसकी जनरल टर्म किस फॉर्मेट में आएगी, वो आएगी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी फॉर्मेट में आएगी, ये हम सबको पता है। इसकी जो जनरल टर्म आएगी एस, मतलब मैं टी एन बोल देता हूँ, तो चलिए टी वन क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3। टी टू क्या आएगा, 4a + 2b। आई होप आपने ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा, उस सीरीज का जनरल टर्म निकालना। तो ये आ जाएगा 9a + 3b + c = 10, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3a + b = 3। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ टर्म चाहिए, हमें सिर्फ जनरल टर्म चाहिए जो आपको ऑलरेडी आती है करनी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो आपको खुद को करनी आती है। 10 - 6 = 4। अब इन दोनों को डिफरेंस किया तो ये आ जाएगा 2a = 1, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ। a की वैल्यू हाफ आते ही मेरे पास b प्लस सी की वैल्यू आ गई 5/2 और 2b + c की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 - 2 = 4। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक किया तो b = आ गया 3/2 और हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a + 1 = 1, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हमारे पास जो जनरल टर्म आई वो जनरल टर्म क्या आई, टी एन आ गया हमारे पास n² / 2 + 3n / 2 + 1, ये क्या आ गई हमारी जनरल टर्म आ गई। और ये जनरल टर्म आएगी कहाँ, यहाँ आएगी, tan इनवर्स ऊपर फिक्स है x² फिक्स है प्लस 2 फिक्स है। जो चेंज हो रहा है वो ये हो रहा है, और ये चेंज किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है क्योंकि ये इसकी जनरल टर्म हमने अभी निकाली। क्या आएगा, n² / 2 + 3n / 2 + 1, क्या आएगा, n² / 2 + 3n + 1 x² + 2। तो चलिए ये आ गया हमारे पास, अब ये सम निकालना है। अब मुझे क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। चलिए इसको इस फॉर्मेट में भी लेके आते हैं। अब जो था, अब एक गाइज एक चीज का ध्यान रखना, यहां x वो चीज नहीं है जिसे मुझे उस फॉर्मेट में लेके आना है। x यहां एक कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसके लिए क्योंकि जो सम है वो किस पे लग रहा है, r पे लग रहा है, ये r² है, n² / 2 + 3r / 2। r क्या हो रहा है, इस सबमिशन के लिए चेंज हो रहा है, तो अगर r चेंज हो रहा है तो मुझे r की टर्म्स में उसको ब्रेक करना है। यू समझ लीजिए x तो कोई r के साथ चिपका हुआ है, बस चिपका हुआ है, उसके साथ चिपक के जहां उसे भेजोगे वहां भाव चला जाएगा, उसका कोई रोल नहीं है। हमें जो ब्रेक करना है, इस टर्म को कुछ इस तरीके से बनाना है, हालांकि पूरे को बनाना है, लेकिन x चिपका हुआ है उसका कोई टेंशन नहीं है, जो लेकिन जो ज्यादा फोकस है वो किस पे होगा, इस वाली टर्म पे होना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए अब ब्रेक करते हैं इसको। अब सबसे पहले तो मेरे को यहां 1 बनाना है। 1 बनाने के एक मेथड मैंने बताया था, +1 - 1 कीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब आप प्लस 1 करोगे माइनस 1 करोगे, तो जो माइनस 1 करोगे वो 1 प्लस समथिंग ये देगा। आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेट मी चेक। अगर आप +1 + 1 वाली टर्म फिक्स हो जाएगी, 2 - 1 + 1 हो जाएगा, नहीं देखिए x² + 1 + x² वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाएगा, तो आप इस तरीके से आगे नहीं जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, आप देखिए 1 प्लस ये वाली टर्म, तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी बजाय आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, ये जो 2 है इसे डिवाइड कर दूंगा तो भी तो 1 बन जाएगा। चलिए इस 2 से डिवाइड करके मैं लिखता हूं, हमारे पास Sn आ गया सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू n, tan इनवर्स क्या आया, x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया है, 1 + n² / 4 + 3n / 4 + 1/2 × x². देखिए थोड़ी थोड़ी फॉर्मेट बन रही है, 1 प्लस समथिंग आ गया। अब इसको ऊपर वाले के वो डिफरेंस में लिखना है, बस सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू n, tan इनवर्स यहां आ गया x/2, अब 1 प्लus, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो 2/4 थोड़ा अच्छा बना देता हूं,
तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए हो गया, ये जो एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू है, इसको मैं क्या एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू लिख सकता हूं। ये देखिए हो गया, इन दोनों का डिफरेंस वन आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट यही कर लेते हैं, ये हो गया, थोड़ा सा देखते हैं, मैं सिर्फ इस टर्म को ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूं। ये आया एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, एक टू इसको दे दिया जो नीचे फोर है, एक टू इसको दे दिया, एक एक्स इसको दे दिया और एक एक्स इसको दे दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, एन प्लस टू एक्स बाई टू कॉमन, एक्स बाई टू कॉमन आते एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन, तो एक्स बाई टू ही तो बचेगा जो ऊपर लिख रखा है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स तो ये आ गया और वाई ये आ गया। चलो मैं यहां लिख देता हूं, एक्स मतलब जो हमारा ये वाले जो एक्स वाई है ना, ये वाले जो एक्स वाई, ना कि ये वाला एक्स, हमारे पास जो एक्स आया वो क्या आया एन प्लस टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टू, और वाई क्या आया एन प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये हमारे पास x और y आ गए। अब हम क्या करते हैं, Sn को लिखते हैं सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स, अब ब्रेक कर देता हूं तो ये आ जाएगा n प्लस 2 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू x डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि मैंने यहां x और y को अलग अलग ब्रेक डाउन किया है और वो प्रॉपर्टी, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास, अब r की वैल्यू पुट करते जाइए। तो tan इनवर्स, ये r है ना कि n है, एक ही बात है, आप जो चाहो वो ले सकते हो। r की वैल्यू तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3x by 2 माइनस tan इनवर्स, अगर आप r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस tan इनवर्स 2 पुट करेंगे तो 4 by 2 यानी 2x माइनस tan इनवर्स, अगर आप 2 पुट करेंगे तो 3x by 2, और ये ऐसे nth टर्म तक चलेगा। तो tan इनवर्स n प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2, प्लस दो छोड़ के उसका फिर माइनस, प्लस तो दो छोड़ के माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस पीछे रह गया, ये प्लस था इसका माइनस आ गया, तो ये टर्म बच जाएगी। हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई, Sn की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स n प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, ये आ गया। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n की जो लिमिट है वो कहां टेंड कर रही है, इनफाइनाइट को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। अब अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूं, अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूं, लिमिट Sn n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर लिमिट लगा दूं तो क्या होगा, ये tan इनवर्स इनफाइनाइट जाएगा, मैं मान के क्या चल रहा हूं, शायद गिवन है, ओके x पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो हम ये मान के चलेंगे कि एक्स इनफाइनाइट को टेंड नहीं कर रहा, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा। चलिए ये हुआ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन गिवन है। अब ये आ जाएगा, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, यहां से टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा पाई बाई टू माइनस वन, दोनों तरफ टेन ले लिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन पाई बाई टू माइनस वन, जो कि होता है कोट वन, क्या होता है कोट वन, ये आ गया हमारे पास कोट वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कोट वन। गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स 4 साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन थीटा दिस। दिखने में क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में क्या वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो ट्रिक है, जो गलतियां होती है वो मैं सिखाना चाह रहा हूं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन जो गलतियां होती है वो मैं यहां बताता हूँ। होता क्या है कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो टॉप पे चला जाता है, स्पेशली अगर एडवांस में आ जाए तो, अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन कर दो। क्या करते हैं, आप सबको पता है कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाई टू के इक्वल होता है, उसके लिए आपको ये पता है कि दोनों का इनपुट क्या होना पड़ेगा, बस सेम होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ये लो भाई आपने तो किया, अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई साइन थीटा में, आप तो जोश में थे ही, सोल्व किया, आंसर निकाला और आंसर कर दिया। चलो इस तरीके से देखते हैं इसमें क्या गलती है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है, जो और सही क्या है। तो चलिए पहले गलत करते हैं इसको, पहले क्या करते हैं, गलत करते हैं, आओ गलत करें। ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब यहां से हमने साइन क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले तो वो क्या आएंगे, एक तो आएगा 1 और एक आ जाएगा 1.4, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 1.4।
अब आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, 1 और 1.4, जहां थीटा इसको बिलोंग करता है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा का। आओ साइन थीटा का ग्राफ बनाए, साइन थीटा 0 से 5 पाई तक, देखना पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई, ये बन गया। ये थोड़ा ऊपर नीचे है पर ठीक है चलेगा। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए और एक 1 चाहिए और 1/4 चाहिए। तो चलो 1 और 1/4 बनाते हैं। 1 हमारे पास ये देगा, ये रहे, ये 3 वैल्यूज आ गए, ये जो भी है ग्राफ को यू टच कर रहा है। तो 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, एक तो ये आएगा। दूसरी चीज हमें चाहिए 1/4, मान लो कहीं भी लाई करता है, यहां लाई करता है। तो एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन, पांचवा सॉल्यूशन, छठा सॉल्यूशन, 6 और 3 9, आंसर आ गया हमारे पास 9। अब देखते हैं हमने क्या आंसर दे रखा है। सॉरी, हमारा आंसर गलत हो गया, आंसर हमारा है क्या, 6। यानी कि सिर्फ 6 सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी 3 सॉल्यूशन क्या है, कम है। कौन से कम है, अब देखिए मैं दिखाता हूं आपको। तो इसको दूसरे पेन से लेता हूं। x = sin θ = 1 लीजिए, एक बार आप sin θ = 1 लीजिए। सॉरी, आपने sin θ = क्या लिया, 1 लिया। जब आपने sin θ = 1 लिया तो आप एक बार चलो पुट करके देखो कि आएगा कि इक्वल आते हैं कि नहीं आते। चलो मैंने पुट किया तो ये आया 4 + 1 = 5, यहाँ पुट किया तो 5 आया। सर इक्वल तो आ रहा है, फिर भी क्यों गलत है भाई, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स का कोई भी फंक्शन हो वो यही बोलेगा भैया मेरा एक डोमेन होता है, मेरी काम करने की एक लिमिट होती है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। और आप उससे बाहर जा रहे हो, देखो कैसे आप साइन इनवर्स को 5 दे रहे हो, जबकि साइन इनवर्स क्या कहता है, मेरा इनपुट जो है वो सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, और आप उसे 5 दे रहे हो भाई, 5 दे रहे हो, बहुत बड़ा गुना है, बहुत बड़ा, 1 से तो काफी बड़ा हो गया, 4 नंबर बड़ा हो गया। तो ये जो आप जब 1 पुट कर रहे हो, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 पुट करने पे वो 5 इनपुट दे रहे हो आप, साइन इनवर्स को भी और कोस इनवर्स को भी, इक्वल हो रहा है लेकिन डोमेन में ही नहीं है। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स जब काम ही नहीं करेंगे तो वो चीज आगे आप ऑपरेट ही कैसे करोगे, तो वो चीज यहां गलत होगी। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। जो बचा वो क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू 1/4, 1/4 पुट करने पे ये इसी के डोमेन में रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4 हमारा क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इसमें ये वाले जो हैं, जो मैं इरेज कर रहा हूं, ये हमारे सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 1 दे रहे थे, क्या दे रहे थे, 1 दे रहे थे। लेकिन जो बच गए वो तो हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो 1 2 3 4, ये जहां भी ये थोड़ा मार्क डिफरेंट जगह चला गया ग्राफ डिस्प्लेस करने की वजह से, ये हमारे पास हो गए 6 सॉल्यूशन। तो ये तो क्या हुआ, हमारा कंप्लीटली गलत हुआ, हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू 1/4 वाले सॉल्यूशन में। तो गाइस ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन इसमें जो चीज, जो गलतियां हम करते हैं वो हम आपको बता रहा हूं। जनरली हम ना कि ऐसे क्वेश्चन में, बल्कि ऐसे क्वेश्चन जहां इतना सिंपली क्वेश्चन दे देता है और हम एक्साइट होकर ये गलतियां कर देते हैं। तो गाइज इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव मार्किंग पे इंपैक्ट डालते हैं आपके मार्क्स पे, और अगर एक क्वेश्चन गलत तो आपकी रैंक, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। चलिए गाइज नेक्स्ट करते हैं, इसका आंसर हमारे पास है 6 जो कंप्लीट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला था लगभग, लेकिन क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन भी क्या है, हमारा इजी है। चलिए सॉल्यूशन बोल रहा है कि fx ये इतना बड़ा फंक्शन है, gx ये इतना बड़ा फंक्शन है, जहां n नेचुरल नंबर है, और fx की मिनिमम वैल्यू और gx की मैक्सिमम वैल्यू, fx की मिनिमम, gx की मैक्सिमम, इन दोनों का सम क्या है, 8 पाई है। क्या है, 8 पाई है। यानी मैं बोल रहा हूं कि f of x का मिनिमम प्लस g of x का मैक्सिमम, इन दोनों की वैल्यू गिवन है 8 पाई। ये हमें गिवन है, क्या है, गिवन है। तो चलिए अगर ये गिवन है तो कुछ करते हैं हम क्या करते हैं, इनका सम ही निकालते हैं। क्या करते हैं, सम ही निकालते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स मैंने निकाल लिया, एफ एक्स प्लस जी एक्स मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया, क्या कर लिया, निकाल लिया। अब एफ एक्स प्लस जी एक्स निकाल कर देखो, ये टर्म प्लस ये टर्म डिफाइन करना जरूरी है भाई, कर सकते हो -1 to 1, लेकिन यहां इतना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने इसको डिफाइन कर लिया, ये सारे डिफाइन हो जाएंगे अपने आप। तो ये क्या हुआ,
एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर पाई बाई टू, नेक्स्ट पाई बाई टू, नेक्स्ट पाई बाई टू, ऐसे चलता चलता ये आ जाएगा पाई बाई टू, क्या आ जाएगा पाई बाई टू। ये कितनी बार ऐड होगा, टू एन टाइम्स ऐड होगा, टू एन टाइम्स पाई बाई टू इक्वल्स टू एन पाई। अच्छा इसको एट पाई के इक्वल कर दूं, इसको एट पाई कर दूं और पाई से पाई कट गया, एन की वैल्यू एट आ गई, कर दूं ऐसा? नहीं, क्योंकि हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स निकाला है भाई, वो बोल रहा है एफ एक्स की मिनिमम और जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें कुछ बच्चों के मन में क्या स्ट्राइक करेगा ये क्वेश्चन, मतलब जो एफ एक्स प्लस जी एक्स है ये मैंने सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि हमें उसकी सम की वैल्यू दे रखी है, लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले जो हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो क्या करते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं, इसकी रेंज निकालेंगे, दोनों की मिनिमम वैल्यू आएगी, उन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। अरे एक बार सोचो तो सही, इतना बड़ा है कैसे निकालोगे, इसकी रेंज निकाल के दिखाओ, निकालो तो सही रेंज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐड किया, ये आ गया। अब चलो हमारे पास क्या आया, एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एन पाई आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, जी एक्स को उधर लेके जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जी एक्स को उधर लेके जा रहा हूं, जो मैंने बताया अभी वो आंसर सेम आएगा जैसा अभी बताया था, लेकिन करना वैसा नहीं, कॉन्सेप्ट सीखिए। तो आंसर आना एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट आना एक अलग चीज है, ये यहां आंसर आ गया दूसरी जगह गलत हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से, ये आ गया एन पाई माइनस जी एक्स। अब मुझे निकालनी है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब मान लो मुझे क्या करना था, मुझे एफ एक्स को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। अब एन पाई तो फिक्स है, जो भी है फिक्स है, जी एक्स चेंज कर रहा है, और मेरे को करना था एफ एक्स को मिनिमाइज, तो मैं क्या कर दूंगा, जी एक्स को मैक्सिमाइज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, जी एक्स को मैक्सिमाइज कर दूंगा। अब अगर मेरे को एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जी एक्स को मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जी एक्स को मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, जी एक्स को मैक्सिमाइज कर दिया, जी एक्स को मैक्सिमाइज कर दिया, तो एफ एक्स क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज होते ये मिनिमाइज हो जाएगा। उल्टा कर लीजिए, अगर आप एफ एक्स को इस तरफ ले जाइए, जी एक्स को आपको मैक्सिमाइज करना है तो उसको मिनिमाइज कर दो, क्योंकि वो डिफरेंस है, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा ये उतना घटेगा। तो वैसे ही अगर मैं एफ एक्स को उधर शिफ्ट करता तो इसको बढ़ाना है तो उसको जितना घटाओगे ये उतना बढ़ेगा, तो जब ये मिनिमम, सॉरी जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम हो जाएगा। अब चलिए इसको इधर ले आते हैं वापस, और ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे हमारे पास, यहाँ मिनिमम आ जाएगा एफ एक्स का, और ये आ जाएगा हमारे पास जी एक्स का मैक्सिमम, और ये एन पाई के इक्वल है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना, 8 पाई। आंसर यहाँ एन इज इक्वल्स टू 8 ही आया, जो कॉन्सेप्ट आपने देखा था अभी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपको रेंज निकालने की जरूरत नहीं है भाई। कई क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप रेंज निकाल पाओगे, आसानी से रेंज निकाल पाओगे, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिखाने के लिए क्वेश्चन है कि आप डिफरेंस में इसको मैक्सिमाइज कीजिए, इसको मिनिमाइज कीजिए, या आपको जो लिस्ट विस्ट, जो भी लिस्ट या मैक्सिमाइज करना है उस हिसाब से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं और फिर ये कर सकते हैं। चलिए गाइस, आई होप आपको ये समझ आएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारा आंसर क्या है, 8 है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, बस एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी है, और अगर वो ट्रिक अप्लाई नहीं करते तो सोचते रहिए। तो चलिए गाइस, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके गाइस, अब ये है इसका पहला तरीका जो सब बच्चों के दिमाग में आएगा, वो क्या होगा, एम पुट करो, सारा सम निकाल लो, जो आए उसमें एन पुट करो, सारा सम निकाल लो, जो आंसर आएगा फाइनल हो जाएगा। मेथड लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, आपके पास एक डेढ़ दो घंटा तीन घंटा है तो लगाइए, क्यों नहीं लगाएंगे। चलिए पहला जो आप बोल रहे हैं वो करके देखते हैं, क्यों नहीं लग, क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एम की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 बाई एन प्लस टेन इनवर्स 2 बाई एन, यहां बनेंगे हमारे पास 10 टर्म्स, कितनी बनेंगी, 10 टर्म्स बनेंगी, हर टर्म की फिर 10 टर्म बनेंगी, हर टर्म की फिर 10 टर्म बनेंगी, क्योंकि जब आप एन पुट करोगे तो अलग बनेगा, तो हर टर्म की आपके पास क्या बनेंगी, 10 टर्म्स और बनेंगी, तो उन 10 टर्म्स की वैल्यू निकालोगे, ऐड करोगे उन अगले 10 की, फिर अगले 10 की, और फिर अगले 10 की, काफी ज्यादा लेंथी मेथड। अब चलिए मैं बताता हूं आपको एक छोटी सी ट्रिक, क्या ट्रिक है भाई, एक बात बताओ, यहां एम और एन दोनों की लिमिट सेम है क्या, ये भी 1 to 10 जा रहा है, ये भी 1 to 10 जा रहा है, तो क्या मैं ऐसा कर दूं एम और एन को बदल दूं,
यूं समझ लीजिए अदला बदली कर रहे हैं। कोई भी दो चीज है जो एक ही जैसा काम कर रही है, अगर मैं उनको बदल दूं तो क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई जैसे यूं समझ लीजिए कि आपके पास दो जगह है जहां खाना परोस रहे हैं, यहां भी गुलाब जामुन रखे हैं, यहां भी गुलाब जामुन रखे हैं, ठीक है। ये जो प्लेट है ये भी गुलाब जामुन की भरी है, ये भी भरी है, जितने इसमें है उतने इसमें, इसमें 20 है तो इसमें भी 20 है। अब कोई आया, उसने वो प्लेट उठा के वहां रख दी, वो उठा के वहां रख दी, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? जो फाइनल जो चीज होनी है, जो जाने हैं वो उससे भी जाएंगे, पहले जा रहे थे वहां से भी जाएंगे। सिमिलरली यही चीज है, अगर मैं एम और एन दोनों को बदल दूं तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? भाई पहले एम ऐड हो रहा था फिर एन ऐड हो रहा था इस वाले केस में, और मैं जो बदलने की बात कर रहा हूं उसमें मैं क्या कर दूंगा, एम इज फ्रॉम 1 to 10 सिग्मा, एन इज फ्रॉम 1 to 10 टेन इनवर्स एम बाई एन। अब क्या होगा, पहले एन रखा जाएगा फिर एम रखा जाएगा तो क्या होगा, मतलब पहले एन पुट कर लिया फिर एम पुट कर लिया तो भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए भाई मैंने एन पुट किया तो टेन इनवर्स एम बाई वन, तो ये केस वहां भी तो बन रहा था टेन इनवर्स वन बाई एन बन रहा था, तो जब उसमें दोबारा वन पुट करेंगे तो वो केस फिर से आ जाएगा। अब सिमिलरली इसमें भी 10 केस बनेंगे, फिर से क्या बनेंगे, फिर से 10 केस बनेंगे। आप उनको सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो सारे के सारे 10 केस उसमें कहीं ना कहीं पहले वाले जो एक्सपेंशन था उसमें आए होंगे, यहां जो है वो पहले वाले में आए होंगे, जो पहले वाले में है वो यहां आए होंगे, यहां भी आपके पास हर केस में 10 बनेंगे, यहां भी आपके पास टोटल 100 टर्म्स बनेंगी, वहां भी आपके पास टोटल 100 टर्म्स बनेंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, टोटल की टोटल टर्म सेम आएंगी। यानी अगर मैं कह दूं मैं इस सिग्मा से बदल दूं, इस सिग्मा को अगर मैं यहां ले आऊं और इस वाले सिग्मा को यहां ले आऊं तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? आप फिर से सोचिए, कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, वही चीज जो अभी बताई थी कि जो टर्म्स बननी थी वो बन रही है, वो ऐड होंगी, वो वैसा ही आंसर देंगी, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। चलिए अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैंने एक पहली जो चीज हमें दे रखी है वो यही है, सिग्मा एन इज फ्रॉम 1 to 10, सिग्मा एम इज फ्रॉम 1 to 10 tan inverse m by n, क्या हो गया tan inverse m by n। अब मैं m और n को क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं, तो n by m को यहां भी बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां भी हमें बदलना पड़ेगा। तो sigma m is from 1 to 10, sigma n is from 1 to 10 tan inverse n by m, क्या होगा tan inverse n by m, और अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू। अब हमें करना है इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इन दोनों को मैं आगे पीछे कहीं भी लिखूं उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, वो चीजें टर्म्स ऐड होंगी। तो यहां से हमारे पास आ गया सिग्मा एम इज फ्रॉम 1 to 10, सिग्मा एन इज फ्रॉम 1 to 10, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एम बाय एन प्लस tan inverse n by m। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। हर जगह वैलिड नहीं है, इसकी कुछ कंडीशंस होती है, xy पॉजिटिव, x less than 1, y less than 1, वो कंडीशंस यहां वैलिड है, वो मतलब यहां वैलिड रहेंगी, क्योंकि ये मतलब जब आप पुट करोगे टर्म्स में आपको पता चल जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो चलिए tan inverse x plus y आ जाएगा m by n plus n by m 1 minus 1, ये आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, pi by 2 tending to pi by 2। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा m is from 1 to 10, सिग्मा m is from 1 to n is from 1 to 10, और ये हो गया 10, क्या था, tan inverse infinite हो गया pi by 2। अब ये 10 times add होगा, तो आ जाएगा 10 into pi by 2, और ये फिर से 10 times add होगा, m is from 1 to 10, तो ये आ जाएगा 10 times add होगा, ये terms 5 pi, तो 50 pi इसका क्या आ जाएगा, answer आ जाएगा। चलिए इसको पीछे देखते हैं, k pi given है, तो ये आ जाएगा k pi, तो यहाँ से k की value कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 50 आ जाएगी।
आंसर देखते हैं, k इज इक्वल्स 25. जस्ट अ मोमेंट, हमें कोई गलती कर ली, कैलकुलेशन मिस्टेक. अच्छा सॉरी, ये s था, ये भी s था, ये दोनों s हो गए, मतलब ये भी s, ये भी s, दोनों को ऐड करेंगे भाई, इक्वल टू वाली चीज से भी तो ऐड होंगी ना इसकी, वो गलती कर दी. तो ये इक्वल टू है किसी 2s के, ये इक्वल टू है किसी 2s के, मतलब ये नहीं, जो भी आगे हम लिख रहे हैं, ये इक्वल टू है 2s के, ये भी इक्वल है 2s के, और ये अभी फाइनल आंसर नहीं आया था हमारा, हम थोड़ा जल्दी कर गए. ऐसी चीजों का भी ध्यान रखना है भाई, ये नेगेटिव मार्किंग में ये चीजें भी काम करती हैं. ये है 2s के इक्वल, s की वैल्यू आ गई 25 पाई, और s क्या था हमारा, k पाई था, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 आ जाएगी. ओके गाइज, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. सो गाइज, ये क्वेश्चन सिंपल है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छा क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है और आसान भी है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ी सी ट्रिक्स है. अब ट्रिक्स कौन सी है, देखिए आपको अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और एक गामा गिवन है. अब बोल रहा है कि अल्फा बीटा ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है और बीटा प्लस गामा क्या है, मिनिमम है, तो ये इस फॉर्मेट में है, तो बताओ कि एबीसी नेचुरल नंबर है तो एबीसी की कम से कम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी. तो चलिए ठीक है, अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये है क्या, ये एक्चुअल में है क्या. तो चलिए, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि हम इसको ये लिख सकते हैं. तो यहां से हमारे पास अब रेंज निकालेंगे, तो tan इनवर्स x माइनस 1 से 1 में आएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 से 1 में बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 को, और 2 टाइम्स tan इनवर्स, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक, इसकी रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, आ जाएगी. अब बीटा, बीटा तो इसमें रेंज में हमें अंदर से बाहर जाना है, तो हम सबको पता है कि 3 cos y माइनस 4 sin y, इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां होगी, माइनस 5 से प्लस 5, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव तक, डिवाइड बाई 10 कर दिया तो माइनस 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 cos y माइनस 4 sin y डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 से 1 बाई 2. अब इसका cos इनवर्स लेना है तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कहां से कहां आ जाएगी, आप रेंज निकाल सकते हैं, cos इनवर्स 1 बाई 2 पाई बाई 3 पे होगा, और ये होगा 2 पाई बाई 3 पे, तो ये हो जाएगी हमारी रेंज आ जाएगी. आई होप ये रेंज निकालना आप सबको आता है, तो हमारे पास, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया. अब हमारे पास है गामा, गामा है 2 tan इनवर्स z स्क्वायर माइनस 4 z प्लस 5. अब रेंज निकालनी है, अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, माइनस d बाई 4 a से लेके इनफाइनाइट तक आएगी, माइनस d बाई 4 a निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 टू इनफाइनाइट. अब अगर 1 टू इनफाइनाइट तक ये आ जाएगी तो tan इनवर्स लेंगे इसका, अगर इसका tan इनवर्स लेंगे तो गामा कहां से कहां आ जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ, tan इनवर्स 1 टू इनफाइनाइट पाई बाई 4 टू इनफाइनाइट देगा, उसको मल्टीप्लाई, सॉरी पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 देगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, वो पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक दे देगा. ये हमारी क्या आ जाएगी, तीनों की रेंज आ जाएगी. अब रेंज क्यों निकाली, क्योंकि हमें बीटा प्लस गामा क्या बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है, वो बोल रहा है बीटा प्लस गामा क्या है तुम्हारा, मिनिमम. ये मिनिमम कब होगा, जब ये भी मिनिमम हो और ये भी मिनिमम हो, दोनों के मिनिमम का सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा. अब बीटा मिनिमम कितना है, पाई बाई 3, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 3, और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो हमारे पास बीटा और गामा दोनों आ गए, गामा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, बीटा आ गया, गामा आ गया, अल्फा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, पाई मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6, ये आ गया. अब हमसे जो पूछा है वो है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, तो एक्स निकालने के लिए अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, तो चलिए निकालते हैं. अब यहां बात करते हैं अल्फा की, सबसे पहले अल्फा की, तो अल्फा क्या था, 2 tan इनवर्स x था, यहां से अल्फा की वैल्यू पाई बाय 6 आई, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 12 आ जाएगी, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस रूट 3, ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस रूट 3. अल्फा आ गया, बीटा हम बाद में निकालेंगे, पहले गामा निकाल लेते हैं, क्योंकि बीटा थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 5. अब हमारे पास पता है कि गामा की वैल्यू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है तो ये पाई बाई 4, ये 1, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, ये आ जाएगा जेड की वैल्यू
टू आ जाएगी यहाँ से, इसको इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे। तो अब चलिए चलते हैं बीटा पे, बीटा की वैल्यू की सॉरी वाई पे, तो ये आ जाएगा पाई बाई थ्री, गिवन है पाई बाई थ्री, ये इक्वल टू है कोस इनवर्स थ्री कोस वाई माइनस फोर साइन वाई डिवाइडेड बाय टेन, ये आ जाएगा कोस इनवर्स पाई बाई थ्री वन बाई टू, ये आ जाएगा थ्री बाय फाइव कोस वाई माइनस फोर बाय फाइव साइन वाई इज इक्वल्स टू वन। अब चलिए यहां से निकालते हैं, यहां से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख पाएंगे, चलिए इसमें चलो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कोस वाई कोस इनवर्स कोस थ्री बाय फाइव, कोस थ्री बाय फाइव माइनस साइन ऑफ सॉरी कोस ऑफ कोस इनवर्स, साइन ऑफ कोस इनवर्स थ्री बाय फाइव इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू वन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ वाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू वन, जहां थीटा क्या है कोस इनवर्स थ्री बाय फाइव, ये कोस इनवर्स क्या है हमारे पास थ्री बाय फाइव। अब चलिए इसको देखते हैं, तो y प्लस थीटा की वैल्यू या तो जीरो होगी या टू पाई होगी, तो यहां से y की वैल्यू या तो माइनस थीटा होगी या टू पाई माइनस थीटा होगी। अब y के बारे में कुछ बोल रखा है, y बिलोंग्स टू जीरो टू टू पाई है, y बिलोंग्स टू क्या है जीरो टू टू पाई है, और ये क्या दे देगा नेगेटिव दे देगा, तो आपका कहां गया ये रहा, तो ये क्या है ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, वाई हमारा जीरो से टू पाई है, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 3 बाय 5। अब इसका टेन लेना है तो टेन वाई आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस 4 बाय 3, टेन 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 3 बाय 5, टेन 2 पाई माइनस तो ये आ जाएगा माइनस, अगर इसका टेन लेंगे तो ये चलिए स्टेप कर ही देता हूं मैं, टेन वाई, टेन वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ टेन कोस इनवर्स 3 बाय 5, और उससे हमारे पास ये आ जाएगा, तो टेन वाई की वैल्यू आ गई माइनस 4 बाय 3, x की वैल्यू आई 2 माइनस रूट 3, और y सॉरी z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, 2 माइनस रूट 3 माइनस 4 बाय 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4 माइनस 4 बाय 3, 4 माइनस 4 बाय 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 4 3 जे 12, 12 माइनस सॉरी 4 3 जे 12, 12 माइनस 4 8, 8 बाय 3 8 माइनस अंडर रूट 27 बाय 3, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू आ गई 27 और c की वैल्यू आ गई 3। यही था फॉर्मेट a माइनस रूट बी बाई सी, जो तीनों नेचुरल नंबर्स है, लीस्ट वैल्यू मतलब वो कम से कम, आपको उसका मल्टीपल नहीं निकालना है, तो यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यह आ जाएगा 8 और 3 11, a प्लस बी प्लस आ जाएगा 38 हमारा आंसर। ओके गाइज, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है लिमिट, लिमिट निकालनी है इसकी। अब सबसे पहले जब जीरो पुट करूंगा तो ये हो जाएगा जीरो टू दी पावर जीरो टू दी पावर जीरो, ये हो जाएगा जीरो टू दी पावर जीरो, तो ये तो हम बाद में देखते हैं, पहले ये एक फॉर्म बनती है जीरो टू दी पावर जीरो, जीरो प्लस टू दी पावर जीरो प्लस या जीरो टू दी पावर जीरो, ये क्या है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्या है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ इसे कीजिए ट्राई खुद से, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये फॉर्मेट सिखाने के लिए है। ये हुआ x टू दी पावर x, इसको मैं y अज्यूम कर लूं, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, लॉग x टू दी पावर x इज इक्वल्स टू लॉग y, इधर लिमिट लगाई हुई है लिमिट, जब भी हमें ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिले, जब भी हमें ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिले जीरो टू दी पावर जीरो वाली, तो उसमें हमें लॉग लेना है पहले दोनों तरफ, जो मैंने लिया है y इक्वल टू अज्यूम करना है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, इस तरफ लिमिट लगानी है लॉग जीरो प्लस। अब देखिए ये आ जाएगा आगे लिमिट x tends to 0 plus, यह आ जाएगा x log x is equals to log y, ये है हमारे पास। अब 0 plus करेंगे तो ये 0 को tend करेगा और ये किसको tend करेगा 0 plus पे minus infinite को, minus infinite। अब मैं क्या करता हूँ इस x को नीचे ले जाता हूँ, क्या करता हूँ इस x को नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि ये भी एक indeterminate form बन रही है, log x divided by 1 by x। अब देखिए 0 plus put करने पे ये भी infinite को और ये minus infinite को, तो infinite by infinite form बन रही है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो इसमें मैं एल एच रूल लगा सकता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ, तो जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, ये लिमिट की वैल्यू कितनी आई जीरो, तो क्या एक्स टू दी पावर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, नहीं,
हमने लोग लिया था, जनरली जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो इसी चीज की होती है, हम इस लोग को भूल जाते हैं। ये आया, ये जीरो है, x टू दी पावर x की वैल्यू हो गई जीरो, चलो हो गया आंसर। ऐसा नहीं है, आप इसको मत भूलिए, ये जीरो किसकी वैल्यू आई है, ये जीरो वैल्यू आई है log y की, किसकी आई है log y की। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और y की वैल्यू 1 आ गई तो जो x टू दी पावर x है वो आपकी लिमिट थी, उस पर आपकी लिमिट लगी हुई थी, y की वैल्यू 1 है तो x टू दी पावर x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए ये जो x टू दी पावर x है इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब लिमिट लगाएंगे तो 1, 0 टू दी पावर 1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस 1। चलिए देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर x, तो इसकी वैल्यू है 1, ये आप यूं समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू है 1 टू दी पावर 0, सॉरी जब लिमिट लगाएंगे तो ये सबसे पहले ये ऑपरेट होगा फिर ये आएगा, सॉरी तो ये आ जाएगा 0 टू दी पावर 1, क्या आ जाएगा 0 टू दी पावर 1, 0 टू दी पावर 1 कितना होगा 0 और ये कितना आ जाएगा माइनस 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस 1। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है माइनस 1। ओके गाइज, आई होप आप सबको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को और बिल्ड किया होगा, आपकी प्रिपरेशन और थोड़ी अच्छी भी होगी। सो गाइज, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल योर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ 200 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर JEE एडवांस। थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।